Hello students, so today we are going to start with the next chapter of physics, that is chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. So in this chapter we will study about the electrostatic potential, energy and capacitance. So let us start with the electrostatic potential energy. होता क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लेट अस कंसीडर दैट अ पॉजिटिव चार्ज प्लस के दस इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन. सो अराउंड दिस चार्ज देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमारे पास चारों तरफ क्या आ गई, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. ये आ गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने क्या मान लिया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, हमने मान लिया कोई दो पॉइंट. That these are the two points. That this is point A, this is point B. We have to bring a test charge plus Q from point A to point B. ऐसे हम लोगों ने करके माना है. यहाँ. Now this charge is positive and this charge that is also positive. So हम लोग ये कंसिडर करके चलेंगे कि जो टेस्ट चार्ज है दिस इज सो स्मॉल दैट इट कुड नॉट डिस्टर्ब द पोजीशन ऑफ दिस सोर्स चार्ज. ये सोर्स चार्ज को जो है वो डिस्टर्ब ना कर सके. तो हमने क्या किया, जैसे ही इसको लाएंगे तो क्या होगा आपके पास कि दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्सन. सो बाय द एक्सटर्नल फोर्स द वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अ रिपल्सन. सो That work done is stored as a potential energy. वही work done हमारे पास क्या हो जाएगा, It stored as a potential energy. मान लो हमारे पास F external is the external force of light. ठीक है, this one is the external force of light. Then this external force that is इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स. तो मान लो आपके पास एफ ई दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. सो द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट दिस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू, कहां से किया हम लोगों ने, यहां से ए टू बी F external dot dr कोई डिस्टेंस मान ली हम लोगों ने, स्मॉल डिस्टेंस यहां से यहां तक, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए टू बी एफ इलेक्ट्रिक फोर्स. और ये किसके बराबर दिया. अब यही जो वर्क डन है आपके पास, दिस वर्क डन दैट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी. अब क्योंकि हमारे पास जब भाई चार्ज को यहां पर लाए होंगे ए पॉइंट के ऊपर तो भी कुछ वर्क डन हुआ होगा, इट मींस दैट देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी एट ए, यहां पर भी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी. बी के ऊपर जब आ गया तो बी के ऊपर भी कोई पोटेंशियल एनर्जी है. सो इट मींस दैट द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज बिटवीन पॉइंट बी एंड ए. तो सबसे पहले हम लोग यहां पर डिफाइन करेंगे दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. तो हम लोग यहां पर डिफाइन करेंगे क्या, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. सो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इसकी बात करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करें हम लोग. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ चार्ज
in dielectric film is defined as the amount of work done in moving a test charge from one point to another point without acceleration. Without acceleration means that this force जो हम लोगों ने external force apply किया that force just balances the electric force. ये सिर्फ आपके पास क्या कर रहा है, it only counterbalance the applied force. ठीक है, so sorry electric force को ही क्या कर रहा है, counterbalance. So this potential energy difference की बात करें तो delta U that is equal to UB minus UA that is equal to work done to move the charge from A to B. ये हमारे पास है. अगर मान लो हम लोग क्या करें, जब ये जो पॉइंट A है, when पॉइंट A is at infinity. इन्फिनिटी के ऊपर हो गया तो यहां पर ना होकर के कहीं हमारे पास यहां जैसे कहीं पर हो गया तो वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो वहां पर वर्क डन उस चार्ज को लाने के लिए क्या हो गया, जीरो हो गया. इट मींस वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है तो क्या होगी, वो आपके पास जीरो होगी. इट मींस यू ए दैट इज इक्वल टू जीरो. सो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू यू बी माइनस यू A that is equal to U B minus 0 that is equal to U B. So this U B that is equal to work done कहाँ से, from infinity to point B. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से define करेंगे that the potential energy at a point in of a charge at a point in the electric field is defined as the amount of work done to bring a test charge from a infinity to that point without a acceleration. From infinity to that point without a acceleration. तो वो हमारे पास क्या होगी, that is the potential energy at that point. तो हमारे पास यहाँ पर चार्ज की कोई कंडीशन नहीं है, चार्ज आपके पास कितना भी हो सकता है. दिस चार्ज दैट मे बी पॉजिटिव, दिस चार्ज दैट मे बी नेगेटिव. ये जिस चार्ज को हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ये चार्ज आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है. इस चार्ज की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकती है. ठीक है, हमने जो सिर्फ क्या निकालना है कि इस चार्ज को जब भी हम लोग इन्फिनिटी से लाएंगे किसी पॉइंट पर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो एनर्जी स्टोर होगी दैट एनर्जी इज अ कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज. और अगर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं, देन दैट वर्क डन दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज और द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहां पर दैट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या है हमारे पास, ध्यान देना थोड़ा सा, फर्क सिर्फ थोड़ा सा है हमारे पास. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस ये भी कितने दो पॉइंट का निकालेंगे हम लोग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in the electric field
is defined as the amount of work done to move a unit positive. ध्यान दें यहां पर कंडीशन आ गया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1.2 अनदर पॉइंट टू अनदर पॉइंट दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा वी से नोट करते हैं. सो डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू, अगर मान लो ए से बी तक लेकर के गए तो दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए. जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये हमारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन है इस तरीके से, यहाँ पर चार्जेस हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं. ये मान लो प्लस क्यू वन है, यहाँ पर माइनस क्यू टू है, यहाँ पर प्लस क्यू थ्री है, यहाँ पर माइनस क्यू फोर है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. यहाँ पर पॉइंट आपके पास मान लो ए है, दिस इज पॉइंट बी. हम लोग चार्ज को लेकर कहेंगे ए से बी तक, हम लोग ऐसे भी ला सकते हैं डायरेक्टली इस तरीके से, हम लोग इस तरीके से भी ला सकते हैं, हम लोग ऐसे भी ला सकते हैं इसको, यस इस तरीके से कैसे भी ले आए हम लोग, कहाँ से ए से बी तक, जहां से लाएंगे और जिस पॉइंट पर लाएंगे. तो पोटेंशियल डिफरेंस जिस पॉइंट के ऊपर पहुंचे वो पहले लिखना है और जहां से चले वो बाद में लिखना है, ठीक है. जहां पर पहुंचे वो पहले बी बी, उसमें से माइनस करना है जहां से हम लोग चले, ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अ डेल्टा बी दैट इज इक्वल टू बी बी माइनस अ बी ए दैट इज इक्वल टू इसके बराबर यू बी माइनस यू ए पर यूनिट चार्ज, ठीक है. ये प्लस क्यू चार्ज हम लोग लेकर के आए थे, पॉजिटिव चार्ज मान लो टेस्ट चार्ज हम लोगों ने कौन सा, ये प्लस क्यू, ये इसको लेकर के आए थे यहां. सो दिस डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू वर्क डन कहां से ए टू बी पर यूनिट चार्ज, ये हमारे पास हो गया पोटेंशियल डिफरेंस. ध्यान दें पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हुआ था हमारे पास ओनली द वर्क डन, और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस दैट इज ओनली इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है. तो अगर हम लोग बात करें इसके एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, क्या यूनिट है इसका बेटा, वोल्ट. इसको डिनोट करेंगे हम लोग डिनोटेड बाई वी, ये हमारे पास. सो वन वोल्ट डिफाइन करेंगे यहां पर हमारे पास, तो वन वोल्ट दैट इज इक्वल टू वर्क डन वन जूल, और ये आपके पास आ गया वन कूलम, तो दैट इज इक्वल टू वन जूल पर कूलम, जूल पर कूलम. सो वन वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, कई बार पूछ लिया रहता है दैट डिफाइन वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज वन वोल्ट व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव वन कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन. यहां पर आप लोग ऐड कर सकते हो विदाउट एक्सेलरेशन, बिना किसी एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन इस तरीके, विदाउट एक्सेलरेशन, ठीक है. इसके अगर ऐसा यूनिट सॉरी डायमेंशन की बात करें, सो डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल फार्मूला की बात करें हम लोग, तो हमने बात की है यहां पर किसकी, ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इसके बराबर लिखा है, डेल्टा वी दैट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन की डायमेंशंस m1 l2 t-2
टू और चार्ज कहते हैं ए इंटू टी। तो हमारे पास इसके डायमेंशंस आ गए एम वन एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास क्या आ गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशंस जो है वो हो गए हमारे पास। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मान लो हम लोग बात करें सिंपली किसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग ने कर लिया, बात करते हैं सिंपली किसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जैसे हम लोग ने पिछला केस किया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किया और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने डिफाइन की, वैसे ही हम लोग अगर बात करें किसकी दैट इज अ पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने निकाल दिया। अब बात करेंगे किसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो पॉइंट ए को मान कर चलते हैं हम लोग कहाँ पर इन्फिनिटी के ऊपर मान कर चलते हैं। ठीक है, सो व्हेन पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी देखते हैं व्हेन पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी तो वी ए इज इक्वल टू जीरो। सो डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू वी बी। सो दैट इज इक्वल टू वी बी दैट इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट द एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या हो गया आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट द एक्सेलरेशन। दैट पॉइंट कौन सा, जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। अब इसकी यूनिट भी आपके पास वही आगे क्या ऐसा यूनिट इज क्या हो गया आपके पास दैट इज वोल्ट। वोल्ट हमारे पास क्या आगे एसआई यूनिट आगे। तो 1 वोल्ट अगर हम लोग डिफाइन करें यहां पर तो 1 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम दैट इज 1 जूल पर कूलम। यही आ गया हमारे पास तो 1 जूल पर कूलम आपके पास किसके बराबर हो गया 1 वोल्ट। सो द पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज अ 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग अ 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट अ एक्सेलरेशन। वन मोर थिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपके पास क्या आ गई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड वन थिंग, द वर्क डन ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन एंड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज अ ब्रॉड। ठीक है, सो वर्क डन is independent from the path, it only depend on the initial and final position। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि दैट विच क्वांटिटी हैव द यूनिट जूल पर कूलम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपके पास कौन सी क्वांटिटी है जिसके यूनिट क्या है जूल पर कूलम है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपके पास, कई बार वन मार्क का क्वेश्चन आता है नेम द क्वांटिटी विच क्वांटिटी यूनिट जूल पर कूलम।
is it scalar or vector? ध्यान तो अब ध्यान दें यहां पर जूल पर कूलम दैट इज इक्वल टू वोल्ट. अब ऐसा नहीं बोलना कि जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ वोल्ट. नहीं बेटा ये गलत है. वोल्ट इज आल्सो यूनिट. ये किसके यूनिट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो आप लोगों का आंसर होगा क्या? इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे? इसका आंसर आप लोग पास आएगा क्या? जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. अब उसके बाद इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. हम लोगों ने अभी बात की ये कौन सी क्वांटिटी आपके पास? स्केलर क्वांटिटी. बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज दैट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ That is a electrostatic potential. That is also a scalar quantity. ये भी कौन सी क्वान्टिटी होगी आपके पास? स्केलर क्वान्टिटी हो गई. ठीक है. हम लोग बात करते हैं अब इसकी यहाँ पर थोड़े से केसेस की जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स में यूज करने हैं. देखो हम लोग बात की हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस की. पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने किया दैट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज. जैसे भी हो आपके पास पहली बात हम लोगों ने ये निकाला पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो यहां से अगर वर्क डन निकालें, वर्क डन दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज अ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए. ये कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड वन अगर पोटेंशियल ही दिया गया हो तो पोटेंशियल दैट इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल. ये भी आपके पास आ गया. या फिर यहां से ये आप लोग कर सकते हैं. इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर वर्क डन जो है वो निकाल करके चलो. अब बात करते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे पास आता है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. नहीं पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. ये प्रूव करेंगे हम लोग. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. ये कई बार एग्जाम पूछ दिया जाता है टू मार्क्स में. हम लोग ने प्रूव करना है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस. देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं हमारे पास? द फोर्सेस By which or against which the work done to move a body only depend on the initial position and final position and independent from the path followed by the body. That forces are called conservative forces. तो हमने प्रूव करना है कि electrostatic forces are conservative in nature. तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसकी वजह से electrostatic forces are conservative in nature. So let us start. Electrostatic forces are conservative in nature. देखते हैं हम लोग. मान लो हमारे पास ये कोई दो पॉइंट है. This is point A, this is point B. We have taken the unit positive test charge from A to B by a path along point C. यहां और फिर क्या किया हम लोगों ने? यहां से B से इसको ले आए वापस कहां पर? A के ऊपर. इस तरीके से बाया पॉइंट D. कोई सा भी पास आप लोग बना सकते हो. मीन्स हम लोगों ने क्या किया? एक क्लोज पाथ कर लिया. मीन्स फिर से जिस पोजीशन से चले उसी पोजीशन के ऊपर हम लोग वापस आ गए. हमने बात की थी कि दैट द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस
टू मूव अ बॉडी वंस अराउंड अ क्लोज्ड पाथ दैट इज इक्वल टू जीरो। अगर ये वर्कडन जीरो के बराबर आ जाता है, इट मीन्स ये जो फोर्सेज है आपके पास, ये क्या जाएंगे आपके पास, दीज आर द कंजर्वेटिव इन नेचर, द फोर्सेज दीज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो पहले बात करते हैं हम लोग, दैट इज अ वर्क डन, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, दैट इज डब्ल्यू A to B per unit charge, that is equal to VB minus VA। मैंने बताया था जहां पर पहुंचे वो पहले लिखना पोटेंशियल और जहां से चले वो बाद में लिखना, that this one is number one। अब कहां से चले, B से फिर कहां पर आ गए, A के ऊपर चले गए, यहां पर गए हम लोग कहां पर, वाया C। Now work done to move यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए वाया डी। अब आगे हम लोग वर्क डन कहां से, बी से ए, चार्ज वही है हमारे पास, तो पहुंच गए कहां पर, ए के ऊपर, तो ए पहले लिख दिया और तार चले कहां से, बी से, नंबर टू, दोनों को ऐड कर दो, टोटल वर्क डन निकाल लें, एडिंग वन टू, so W A B upon Q plus W B A plus Q that is equal to V B minus V A plus V A minus V B। इनको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ गया, जीरो। इट मीन्स दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू जीरो। सो वर्क डन टू मूव the charge once around the closed path is zero, अगर ये जीरो हो गया इट मीन्स आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या हो गए, कंजर्वेटिव, फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, ये हो गया हमारे पास कंजर्वेटिव। ये दो नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टू मार्क्स, तो ये आप लोग कर सकते हो, वह बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, तो इसको आप लोग कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करेंगे हम लोग, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसकी बात करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, देखते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज, दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग मान के चलते हैं यहां पर कि मान लो हमारे पास कोई चार्ज एनी चार्ज प्लस क्यू दैट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, ये दैट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन ओ। ड्यू टू दिस चार्ज वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, दिस वन, एंड लेट दिस पॉइंट बी दैट इज एट डिस्टेंस आर, ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है, आर के ऊपर है, ठीक है। सो टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग आर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। हम लोगों ने क्या करना है, पॉइंट किसी चार्ज को कहां से लेकर क्या आना है, इन्फिनिटी से लेकर क्या आना है पॉइंट पी के ऊपर। तो हमने क्या किया, रास्ते में कोई पॉइंट मान लिया ए यहां पर, और उसकी डिस्टेंस जो है यहां से ओ से मान ली हम लोगों ने किसके बराबर, एक्स के बराबर दी, ये डिस्टेंस एक्स के बराबर यहां पर रख दिया यूनिट पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस साइड को आएगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब तो हमने क्या किया, यहां पर कोई एक और पॉइंट मान लिया हम लोगों ने बी, पास जैसे नहीं मान लिया ये पॉइंट बी, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस ये मान ली हम लोगों ने किसके बराबर, डी एक्स के बराबर, डी एक्स के, ठीक है। पी के ऊपर हम लोगों ने पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट किया। अब देखते हैं है। तो हमने क्या किया, लेट We wish to find potential due to charge plus Q placed at O at any point. Such that this OP is equal to R. So to find the potential, we have to calculate the work done to bring the charge from infinity to point P. Okay? So we have to calculate work done to bring unit positive. Test charge from infinity to point P. ठीक है, so consider a point P. Consider a point A in the way रास्ते में दिया, such that this OA is equal to X. So, electric force on unit charge at A. Electric force per unit charge that is equal to the electric field intensity. So, E से मैं डिनोट कर देता हूं, क्योंकि force per unit charge that is electric field intensity. So, that is Q upon 4 pi epsilon naught distance x square. That is along OA produced. यही आएगा आपके पास इसके अंदर, ठीक है। सो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम बी टू ए सच दैट सॉरी ए टू बी और बी टू ए A to B such that AB is equal to DX. ये मैंने मानी क्लियर डिस्टेंस इज गिवन बाय DW is equal to E dot DX. So
EDX cos of 180 degree, क्योंकि DX इस साइड को है, E इस साइड को है, तो एंगल हो गया 180 degree, cos 180 degree minus 1, so minus EDX. So total work done per unit charge. Total work done per unit charge. कहां से इन्फिनिटी से पी तक निकालने के लिए, तो दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से इन्फिनिटी से आर तक, माइनस ई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से आर क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स. सो दैट इज इक्वल टू दिस वर्क डन माइनस q upon 4 pi epsilon naught infinity to r x minus 2 dx. इसकी इंटीग्रेशन बेटा आप लोगों को आती है माइनस q upon 4 pi epsilon naught, ये हो गई x रेस्ट पावर n, इसके बराबर आते x रेस्ट पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो क्या गया x रेस्ट पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 infinity to r. So this work done that is equal to this minus minus क्या हो जाएगा plus q upon 4 pi epsilon naught या गया 1 upon x infinity to r. तो हम लोग यहां पर अगर देखें तो हमारे पास लिमिट रख दो work done that is equal to q upon 4 pi epsilon naught 1 upon r minus 1 upon infinity. So work done that is equal to q upon 4 pi epsilon naught 1 upon r minus 0. So this work done that is equal to q upon 4 pi epsilon naught r. This is the work done per unit charge. This is equal to the potential difference. So by definition, this is potential at P. So therefore, V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R. So this is the potential due to the single charge. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो potential है, the potential that varies inversely as R. कैसे vary करेगा? It varies inversely as a distance R. बात करते हैं हम लोग इसके किसके, देखो ये सिंपल सा आर्टिकल आ गया आपके पास, इस तरीके से हम लोगों ने पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू अ सिंगल चार्ज. हम लोग बात करते हैं इसकी, यहाँ पर स्पेशल केस की बात करते हैं हम लोग कि भाई ये जो है, क्योंकि आपके पास जो पोटेंशियल है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, so for positive charge it is positive and for negative charge it is negative. So for minus q, v that is equal to minus q upon 4 pi epsilon naught r. पहले देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली हम लोगों ने, या निकाला हम लोगों ने, क्या निकाला है यहाँ पर फोर्स निकाला था, तो हम लोगों ने प्लस माइनस साइन यूज नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर यूज करना है क्योंकि ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी हैव टू यूज द साइन कन्वेंशन, हम लोगों ने साइन कन्वेंशन यहाँ पर यूज करने हैं. ठीक है, वन मोर थिंग, वेन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के ऊपर निकालेंगे, आर इन्फिनिटी आ गया तो वी दैट इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स पोटेंशियल एट इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू जीरो. बात करते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ वी एंड ई विद आर. पूछे जाते हैं कई बार एक ही ग्राफ के ऊपर बनाने हैं आप लोगों ने, वी एंड ई दोनों के दोनों को एक के ऊपर शो करना है आप लोगों ने. Variation of V and E
are single charge. देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। देखो हम लोगों ने बात की थी कि भाई आपके पास यहां पर ई आया था, ई वेरीज इनवर्सली एज आर स्क्वायर। एंड सेकंड वन अगर बात करें हम लोग दैट वी दैट वेरीज इनवर्सली एज आर, ये हुआ आपके पास। इट मीन्स ई जो है वो आपके पास ज्यादा वेरी करेगा और ई जो वी जो है वो कम वेरी करेगा, क्योंकि इट वेरीज एज अ स्क्वायर, इनवर्सली एज अ स्क्वायर और वी दैट वेरीज इनवर्सली एज अ आर पावर ऑफ। तो दोनों को एक ही ग्राफ के अंदर आप लोगों ने दिखाना है यहां। ये जीरो ले ली मैंने यहां पर, इस साइड को मैंने ले लिया आर, ठीक है। इस साइड को मैं दोनों ले लेता हूं, यहां पर हमारे पास आ गया वी और दूसरा हमारे पास यहां पर आ गया कौन सा, दोनों हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक। मैं पहले ई की वेरिएशन यहां पर शो कर देता हूं, ये मैंने कर दिया ई, ऐसे वेरी करेगा आपके पास। अब वी की बात करें तो वी हमारे पास ऐसे वेरी कर गया यहां पर, ये कम वेरी करेगा इस तरीके से। आप लोगों ने देखा दोनों अलग अलग दिखाने बेटा, ठीक है। This is for V, ये V हो गया आपके पास और ये कौन सा आ गया आपके पास, This is E, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इनको दिखाना है, This is the way, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है और इसको रिवाइज भी आप लोगों ने करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।